हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं द हिंदू की वोकैबुलरी के साथ, जो कि आज ही के द हिंदू में छपे हुए एडिटोरियल से लिया गया है। ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इंग्लिश के लेवल को बेहतर करने में भी सहायक होता है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग भी जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ में अगर मन में कोई बात हो, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में लिखने से झिझकिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करें। लर्निंग दिस विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तय दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार होंगे और आपने नोटबुक और कलम भी साथ में रखा होगा, क्योंकि यहां पर नोट डाउन करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। चलिए तो सेशन की शुरुआत करते हैं और फटाफट पहला वर्ड आपके सामने रखते हैं। यहाँ पर ये जो एडिटोरियल है, ये आज का ही एडिटोरियल का वर्ड है, 8/8/2024 का, ठीक है। जो पहला वर्ड है वो है कॉन्करेंट। ये एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एक एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब है एग्जिस्टिंग और हैपनिंग एट द सेम टाइम। इसका क्या मतलब है, एग्जिस्टिंग और हैपनिंग एट द सेम टाइम, मतलब कुछ भी ऐसा जो एक समय में, सेम समय में एग्जिस्ट कर रहा हो या हो रहा हो, मतलब होता है एक साथ होने वाला या समवर्ती के सेंस में कहते हैं। अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो कहेंगे साइमल्टेनियस और सिंक्रोनस। क्या कहेंगे, साइमल्टेनियस और सिंक्रोनस। एंटोनिम्स की बात करें तो डाइवर्जेंट एंड नॉन कंकरेंट कहेंगे इसको, नॉन कंकरेंट कहेंगे। तो कंकरेंट का मतलब है एक साथ होने वाला और समवर्ती। चलिए अगला जो शब्द है वो है सुपरसीड। सुपरसीड एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और सुपरसीड का जो मतलब है वो होता है टू रिप्लेस समथिंग, स्पेशली समथिंग ओल्डर और मोर ओल्ड फैशन, मतलब किसी चीज को अधिकार से हटाना और विशेष करके जो कि ज्यादा पुराना हो गया हो, मतलब है जगह लेना या दूसरे का अधिकार ले लेना, सुपरसीड का सेंस में इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम कहें तो सप्लांट, ऑस्ट एंड रिप्लेस। क्या है, सप्लांट, ऑस्ट एंड रिप्लेस कहते हैं। एंटोनिम की बात करें तो कीप, रिटेन एंड सपोर्ट, इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल होगा। सुपरसीड का क्या मतलब है, जगह लेना, दूसरे का अधिकार लेना, टू रिप्लेस समथिंग स्पेशली समथिंग ओल्डर और मोर ओल्ड फैशन। तीसरा जो शब्द है वो है egregious। ये एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, egregious एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। वैसे भी मैंने आपको बताया है कि यहां पर ous सफिक्स लगा हुआ जिस शब्द में होता है अधिकांशता, और अधिकांशता क्या कहेंगे, लगभग वो एडजेक्टिव ही होता है। अब देखिए इसका क्या मतलब होता है, एक्सट्रीम बैड इन अ वे दैट इज वेरी नोटिसेबल, मतलब एक इतना खराब हो जिसको कि आसानी से नोटिस किया जा सके, बेहद खराब के अर्थ में इसका इस्तेमाल करते हैं egregious का। सिनोनिम की बात करें तो हॉरिफिक, ऑफुल, फ्लैग्रेंट एंड डायर। हॉरिफिक, ऑफुल, फ्लैग्रेंट एंड डायर। एंटोनिम की बात करें तो मार्वेलस, टॉलरेबल एंड माइनर। क्या होगा, मार्वेलस, टॉलरेबल एंड माइनर। तो यहां पर जो तीन शब्द आए, पहला आया कॉन्करेंट, इसका मतलब होता है एक साथ होने वाला, सुपरसीड का मतलब होता है जगह लेना या दूसरे का अधिकार लेना, egregious का मतलब होता है बेहद खराब। चले फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो वर्ड है वो है आउटलैंडिश। ये एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल एंड डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट और लाइक, मतलब है कि इतना स्ट्रेंज और अनयूजुअल जिसको कि बहुत कठिनाई हो एक्सेप्ट करने में और पसंद करने में, मतलब बेतुका और विचित्र के अर्थ में इसका इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम की बात करें तो वियर्ड, ऑफबीट, क्विर्की, ऑड, और एंटोनिम की बात करें तो ऑर्डिनरी, कन्वेंशनल, नॉर्मल, इसको रख सकते हैं। यहां पर क्या है, आउटलैंडिश का मतलब होता है बेतुका या विचित्र, ये एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। सिनोनिम के तौर पर रखें तो वियर्ड बहुत कॉमन शब्द है, ऑफबीट कहते हैं, क्विर्की कहते हैं, ऑड कहते हैं। एंटोनिम कहें तो ऑर्डिनरी एंड कन्वेंशनल होता है। अगला जो शब्द है वो है कनाइफ। ये एक वर्ब की तरह इस्तेमाल किया जाता है और इसका मतलब होता है टू सीम टू अलाउ समथिंग रॉन्ग टू हैपन और टू वॉक टुगेदर टू डू समथिंग रॉन्ग और इलीगल, मतलब है कि अनदेखी करना। ये जो पिछले दिन एक वर्ड मैंने बताया था कंडोन, ये उसी का सिनोनिम है। कंडोन का मतलब है कहीं पर कुछ गलत हो रहा हो तो देख करके आप नजरअंदाज कर दे, अनदेखी कर दे, माफ कर दे। यहां पर है टू सीम टू अलाउ समथिंग रॉन्ग टू हैपन और कह रहा है टू वॉक टुगेदर टू डू समथिंग रॉन्ग और इलीगल, मतलब है कि किसी के साथ चल करके कुछ भी गुप्त रूप से सहयोग करना, मतलब बुरे काम में। यहां जो है ना, गुप्त रूप से सहयोग करने का मतलब है बुरे काम में, किसी साजिश को रचने में, है ना, इसमें बुरे काम में किसी साजिश को रचने में सहयोग करने के अर्थ में इस्तेमाल करते हैं। इसके सिनोनिम के तौर पर कहें तो कंडोन है, फॉरगिव है और इंट्रिग है। फॉरगिव बेसिक के सेंस में है कि आप अलाउ कर दे रहे हैं। अगला जो एंटोनिम है वो है कंडेम, पनिश एंड एक्सपोज। क्या है, कंडेम, पनिश और एक्सपोज। क्या है, कंडेम, पनिश और एक्सपोज। अब देखिए एक्सपोज किस अर्थ में है,
एक्सपोज का जो अर्थ है यहां पर, जब हम गुप्त रूप से कुछ कह रहे हैं तो उस अर्थ में यहां पर एक्सपोज का सेंस लेंगे। तो कनाइव का मतलब होता है अनदेखी करना, उपेक्षा करना, गुप्त रूप से सहयोग करना, किस चीज के लिए, किसी बुरे काम को अंजाम देने के लिए। अगला जो वर्ड है वो है इंपेयरमेंट। ये एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, इसमें जो ये MENT सफिक्स लगा हुआ है ये नाउन सफिक्स होता है। इंपेयरमेंट का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग डिमिनिश्ड, वीकेंड और डैमेज, स्पेशली मेंटली और फिजिकली। मतलब होता है कि क्षति या दुर्बलता से है, मेंटली और फिजिकल, मेंटल और फिजिकल हम दुर्बलता की बात कर रहे हैं। सिनोनिम कहेंगे तो डिसेबिलिटी कहेंगे, डिसेबलमेंट कहेंगे, है ना, क्या कहेंगे, डिसेबिलिटी कहेंगे, डिसेबलमेंट कहेंगे। एंटोनिम कहें तो रिकवरी कहेंगे, हीलिंग कहेंगे, वीगर कहेंगे। वीगर का मतलब शक्ति से या दुर्बलता दिया गया है। तो यहां जो शब्द आया वो पहला है आउटलैंडिश, इसका मतलब होता है बेतुका या विचित्र। दूसरा वर्ड है कनाइव, इसका मतलब होता है अनदेखी करना। एंड इंपेयरमेंट का मतलब होता है क्षति या दुर्बलता से। चलिए अगला जो शब्द है वो है रेकन। रेकन वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब है टू थिंक और बिलीव, टू कैलकुलेट एन अमाउंट। मतलब है कि गिनना, अनुमान लगाना, निर्भर होना या समझना, इन अर्थों में हम रेकन का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम कहे तो कंप्यूट कह सकते हैं, कंसिडर कह सकते हैं, एंटिसिपेट कह सकते हैं। एंटोनिम की बात करें तो डाउट कहेंगे, सस्पेक्ट कहेंगे एंड मिसअंडरस्टैंड कहेंगे। क्या कहेंगे, डाउट, सस्पेक्ट एंड मिसअंडरस्टैंड। रेकन का मतलब होता है गिनना, अनुमान लगाना, निर्भर होना और समझना। अगला जो शब्द है वो है मिल्क। अब देखिए ये बड़ा सरप्राइजिंग मीनिंग आपको यहाँ पर लगेगा और बहुत अच्छा मीनिंग है इसका। मिल्क एक वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है, ऐसे आपका एक नॉर्मल मीनिंग आप तो जानते हैं दूध होता है इसका। मिल्क का मतलब होता है टू गेट एज मच मनी, एडवांटेज एटसेट्रा फॉर योरसेल्फ फ्रॉम समबडी और समथिंग एज यू कैन विदाउट केयरिंग अबाउट अदर्स। मतलब है कि किसी व्यक्ति या वस्तु से अधिकाधिक स्वार्थ सिद्ध कर लेना बिना किसी और की चिंता किए हुए। मिल्क का मतलब ये भी होता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु से अधिकाधिक स्वार्थ सिद्ध कर लेना, वो भी बिना किसी की चिंता किए हुए। जब हम इसके सिनोनिम की बात करें तो ड्रेन कह सकते हैं, इवोक कह सकते हैं, एक्सटॉर्ट कह सकते हैं, रिंग कह सकते हैं। एंटोनिम की बात करें तो प्रिजर्व कह सकते हैं, गिव कह सकते हैं, असिस्ट कह सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा शब्द लगा मुझे मिल्क का। यहां जो दूसरा सेंस, एक तो नॉर्मल सेंस दूध से लेते हैं जो हम लोग अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, यहां है कि किसी व्यक्ति या वस्तु से अधिकाधिक स्वार्थ सिद्ध कर लेना बिना दूसरे की चिंता किए हुए। अगला जो शब्द है वो है फैब्रिकेट। फैब्रिकेट वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है टू इन्वेंट समथिंग फॉल्स इन ऑर्डर टू डिसीव पीपल। मतलब है कुछ नया रच लेना दूसरे को ठगने के लिए उस उद्देश्य से। मनगढ़ंत बातें करना या झूठी बातें गढ़ना, किस बात से भाई, लोगों को ठगने के लिए मनगढ़ंत बातें करना, झूठी बातें करना, है ना, गढ़ना लोगों को ठगने के लिए। इसका जब सिनोनिम कहेंगे फॉल्स कह सकते हैं, फॉल्सिफाई कह सकते हैं, काउंटरफीट कह सकते हैं। एंटोनिम कहे तो स्वेयर कहेंगे, टेस्टिफाई कहेंगे और टेल द ट्रूथ, हम सच कह दें, ठगने के लिए ना करें, सीधी सीधी बात सच कह दें। तो सिंपल यहां जो शब्द आया, तीन आया, रेकन का मतलब गिनना, अनुमान लगाना, निर्भर होना और समझना। मिल्क का मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु से अधिकाधिक स्वार्थ सिद्ध कर लेना बिना दूसरे की चिंता किए हुए। और फैब्रिकेट का मतलब होता है मनगढ़ंत बातें करना, झूठी बातें गढ़ना, विशेष करके लोगों को ठगने के लिए। चले जो अगला शब्द है वो है ओब्लिवियस। ओब्लिवियस एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और देखिए इसका भी सफिक्स ओब्लिवियस का मतलब होता है नॉट नोटिसिंग और रियलाइजिंग व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। मतलब है कि आपके आसपास क्या हो रहा है उसको नोटिस नहीं करना, रियलाइज नहीं करना। मतलब है कि आसपास होने वाली घटनाओं से बेखबर, इस सेंस में हम ओब्लिवियस का इस्तेमाल करते हैं। एंड सिनोनिम की बात करें तो अनमाइंडफुल, हेडलेस एंड अनअवेयर कहेंगे। अनमाइंडफुल, हेडलेस एंड अनअवेयर कहेंगे। एंटोनिम की बात करें तो अवेयर कहेंगे, कॉन्शियस कहेंगे एंड अटेंटिव कहेंगे। क्या कहेंगे, अवेयर, कॉन्शियस एंड अटेंटिव। चलिए अगला जो शब्द है वो है गलिबल। गलिबल जो है एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है यूज्ड अबाउट अ पर्सन, किसी इंसान के लिए होता है बिलीविंग एंड ट्रस्टिंग पीपल टू इजिली एंड देयरफॉर इजिली ट्रिक्ड। मतलब है कि ऐसा इंसान जो किसी पर भी आसानी से भरोसा कर ले और रिजल्ट ये हो कि उसके उपलक्ष्य में, उसके बदले में वो आसानी से ठगा जाए। मतलब भोला भाला के सेंस में आप कह सकते हैं, भोला भाला या आसानी से धोखा खाने वाला। इसको अगर हम सिनोनिम कहें तो क्रेडुलस, नाइव एंड फुलिस। क्या कहेंगे, क्रेडुलस, नाइव एंड फुलिस। जब एंटोनिम की बात होगी तो सस्पिशियस, वेरी एंड स्केप्टिकल। सस्पिशियस, वेरी एंड स्केप्टिकल इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल होगा। अगला जो शब्द है वो है प्रीडिकमेंट। प्रीडिकमेंट फिर से देखिए यहां पर MENT लगा हुआ है तो ये नाउन की तरह इस्तेमाल होगा। एन अनप्लेजेंट एंड डिफिकल्ट सिचुएशन दैट इज हार्ड टू गेट आउट ऑफ। मतलब एक ऐसा सिचुएशन, अप्रिय और कठिन स्थिति जिससे बाहर निकलना कठिन हो, ऐसी परिस्थिति, ऐसी स्थिति जहां से बाहर निकलना कठिन हो, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रीडिकमेंट।
सिनोनिम क्या है? डायलेमा, क्वैंड्री एंड प्लाइट, है ना, डायलेमा, क्वैंड्री एंड प्लाइट। एंटोनिम की बात करें, प्रिविलेज, सेरेनिटी एंड ट्रैंक्विलिटी। क्या है? प्रिविलेज, सेरेनिटी एंड ट्रैंक्विलिटी। तो यहां पर जो तीन शब्द आए, ओब्लिवियस मतलब होता है आसपास की घटनाओं से बेखबर, अनजान, गलिबल का मतलब होता है भोला भाला, आसानी से धोखा खाने वाला, प्रेडिकमेंट का मतलब होता है अप्रिय और कठिन स्थिति जिससे बाहर निकलना कठिन हो। चले अगला शब्द ले यहां पर, अगला जो है वो है डेट्रीमेंटल, और डेट्रीमेंटल एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। अब इसमें देखिए, जहां जहां एल लगा हुआ होता है ना, एल सफिक्स, वो भी एडजेक्टिव होता है। तो डेट्रीमेंटल का मतलब होता है कॉजिंग हार्म और डैमेज, मतलब है कि हानिकारक हो, अहितकर हो, उसके लिए हम डेट्रीमेंटल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसके सिनोनिम की बात करें तो हार्मफुल, एडवर्स एंड इनिमिकल कहेंगे। क्या कहेंगे? हार्मफुल, एडवर्स एंड इनिमिकल। एंटोनिम की बात करें तो बेनिफिशियल, बेनाइन एंड इनोक्वस। क्या है? बेनिफिशियल, बेनाइन एंड इनोक्वस। चलिए अगला जो शब्द है वो है मार। क्या है? मार एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है टू डैमेज और स्पॉइल समथिंग गुड, मतलब है किसी चीज को जो अच्छा है उसको डैमेज करना या बर्बाद करने के सेंस में, मतलब है दूषित करना, बिगाड़ देने के अर्थ में हम मार का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें तो स्पॉइल, रुइन, इंपेयर, डिफेस। एंड एंटोनिम की बात करें तो इंप्रूव, इनहेंस एंड प्यूरिफाई। क्या हो जाएगा? इंप्रूव, इनहेंस एंड प्यूरिफाई। इसके मार के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल होगा। सिनोनिम की बात करें तो स्पॉइल, रुइन, इंपेयर एंड डिफेस। चलिए अगला जो शब्द है वो है सली। ये एक वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है टू स्पॉइल समथिंग दैट इज प्योर और समवन्स परफेक्ट रेपुटेशन और टू मेक समथिंग डर्टी, मतलब इसका भी वही है, कलुषित करना, गंदा करना, मिट्टी में मिला देना। इसके सिनोनिम के तौर पर कहें टेंट, डिफाइल, टार्निश एंड स्टेन। क्या कहेंगे? टेंट, डिफाइल, टार्निश एंड स्टेन। एंटोनिम की बात करें तो पर्स, लॉर्ड, ऑनर एंड प्यूरिफाई। क्या है? पर्स, लॉर्ड, ऑनर एंड प्यूरिफाई। अब यहां पर इस पेज पर जो तीन आए, डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक और हितकर, मार का मतलब होता है दूषित करना और बिगाड़ देना, सली का मतलब होता है कलुषित करना, गंदा करना, मिट्टी में मिला देना। चलिए जो अगला शब्द है वो है रिग। रिग के कई सारे मीनिंग है लेकिन मैंने यहां पर वर्ब का सेंस लिया है। रिग का मतलब है टू अरेंज और कंट्रोल एन इवेंट एटसेट्रा इन एन अनफेयर वे इन ऑर्डर टू गेट द रिजल्ट यू वॉन्ट, मतलब है धांधली करने के अर्थ में, हेर फेर करने के अर्थ में। क्या कह रहे हैं? टू अरेंज और कंट्रोल एन इवेंट, मतलब किसी इवेंट को अरेंज करना या कंट्रोल करना इस उद्देश्य से कि आप जो चाहते हो वो पा सको, मतलब है धांधली करना और हेरफेर करना। सिनोनिम की बात करें तो फॉल्सिफाई, करप्ट और टेम्पो विद। क्या है? फॉल्सिफाई, करप्ट और टेम्पो विद। एंटोनिम की बात करें तो इलस्ट्रेट, एक्सप्लेन एंड असिस्ट। क्या हो जाएगा? इलस्ट्रेट, एक्सप्लेन एंड असिस्ट। इसको हम इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं रिग के। चलिए अगला जो शब्द है बर्ज्योन। बर्ज्योन एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है टू डेवलप और ग्रो क्विकली, इसका मतलब होता है कि किसी चीज का तेजी से बढ़ना, फलना, फूलना और बढ़ने के सेंस में। सिनोनिम हो जाएगा राइज, फ्लोरिश एंड स्प्रॉट। एंटोनिम हो जाएगा रिसीड, लेसन एंड डिमिनिश। क्या हो जाएगा? रिसीड, लेसन एंड डिमिनिश। बर्ज्योन का मतलब क्या होता है? फलना, फूलना और बढ़ना। अगला जो शब्द है वो है फ्लीस। देखिए ये भी बहुत अच्छा शब्द लगा मुझे। फ्लीस एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है टू टेक समवन्स मनी डिसऑनेस्टली बाय चेंजिंग टू मच मनी बाय चीटिंग देम By charging too much money, ये दुकानदार वगैरह करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है फ्लीस। सेंस कहेंगे लूटने, धन हथियाने के सेंस में। सिनोनिम की बात करें तो चीट, डिसीव एंड डूप। चीट, डिसीव एंड डूप। और एंटोनिम कहें तो ऑनेस्टली, ट्रुथफुलनेस एंड हेल्प। क्या हो जाएगा? ऑनेस्टली, ऑनेस्टी एंड ट्रुथफुलनेस एंड हेल्प। क्या हो जाएगा? ऑनेस्टी, ऑनेस्टली नहीं, ऑनेस्टी, ट्रुथफुलनेस एंड हेल्प। तो यहां पर जो तीन शब्द आए, पहला आया रिग। रिग का मतलब होता है धांधली करना या हेरफेर करना। बर्ज्योन का मतलब होता है फलना, फूलना और बढ़ना। एंड फ्लीस का मतलब होता है लूटना और धन हथियाना। चलिए अगला जो शब्द है वो है कॉटरी। कॉटरी का ये जो है ये नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है पीपल विद कॉमन इंटरेस्ट हु डू थिंग्स टुगेदर इन अ स्मॉल ग्रुप एंड डू नॉट लाइक टू इंक्लूड अदर्स, मतलब है टोली, मंडली, अंतर्गुट या समान, जो एक जैसे ग्रुप के लोग होते हैं, जो एक साथ मिलकर के कोई काम करते हैं और जल्दी दूसरों को शामिल नहीं करना चाहते, टोली और मंडली। सिनोनिम कहें तो क्लिक, इनर सर्कल और गैंग कह सकते हैं। एंटोनिम कहें तो इंडिविजुअलिस्ट, लोनर और सिंगल कह सकते हैं, है ना। कॉटरी का मतलब होता है मंडली, अंतर्गुट। अगला जो शब्द है वो है ओरियंट। ओरियंट नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। ओरियंट का मतलब होता है टू मेक समवन फैमिलियर विद अ न्यू प्लेस, मतलब है कि किसी नए प्लेस के साथ फैमिलियर होना, मतलब अनुकूल बनाना, स्थिति निर्धारण करना। पूर्व या पूर्वी गोलार्ध के जो क्षेत्र होते हैं उसको भी हम ओरियंट कहते हैं। सिनोनिम कहेंगे तो एडेप्ट, एडजस्ट एंड एकोमोडेट। मैंने इसको इस सेंस के लिए लिया है, एडेप्ट
एडजस्ट एंड एकोमोडेट, एंटोनिम की बात करें तो रिजेक्ट मिस एडजस्ट एंड अनफिट, है ना, क्या हो जाएगा, रिजेक्ट मिस एडजस्ट एंड अनफिट। और जो आखिरी शब्द है आज का वो है accretion। Accretion एक नाउन की तरह प्रयोग होता है और यहां पर मैंने बताया था कि जिस शब्द के अंत में TION लगा हुआ होता है, TION suffix होता है, वो नाउन होता है। तो accretion का मतलब होता है gradual increase or growth by the addition of new layers or parts। मतलब है कि सहवृद्धि, अभिवृद्धि और संचयन, मतलब नए नए पार्ट जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, संचय हो जाएगा, जमा हो जाएगा। synonym की बात करें तो increase कह सकते हैं, gain कह सकते हैं, accumulation जो है वो इस अर्थ के synonym में आएगा। एंटोनिम की बात करें तो रिडक्शन डिप्लीशन, है ना, रिडक्शन डिप्लीशन एंड डिक्लाइन हम इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो इस पेज पर जो वर्ड आया, कॉटरी का मतलब होता है मंडली, समान लोगों का ग्रुप, दल कह सकते हैं। ओरिएंट का मतलब होता है अनुकूल बनाना, स्थिति निर्धारण करना, पूर्वी या पूर्वी गोलार्ध। और एक्रीशन का मतलब होता है सहवृद्धि, अभिवृद्धि और संचयन। उम्मीद है कि सारे शब्द आपने नोट डाउन कर लिया होगा और अब आप इसको दो चार बार रिवीजन करके इसके साथ और फेमिलियर होने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद तो यह है कि जो पीछे मैंने कराया है वो सब आपके जहन में होगा। तो मैं यहां पर कहूंगा कि जैसे ये एपिसोड समाप्त हो रहा है, इसके बाद एक नजर सब पर दोहराइए और फिर नोटबुक बंद करके आप सोने के लिए जाइए, सुबह सुबह उठ करके फिर रिविजन कीजिएगा। बहरहाल इस 21 जो टोटल 21 वर्ड्स रहे, उम्मीद तो यह है कि ये सब आपको पसंद आया और अच्छा कुछ सीखने के लिए मिला और ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दीजिए, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा। बाकी लाइक शेयर करते रहिए क्योंकि आप ही का प्यार है जो चैनल को यहां तक लेकर आया है और मुझे ये भरोसा है कि आपके प्यार के सहारे ये आगे बढ़ता रहेगा और मैं इसी तरह से आपके सामने नई नई जानकारी और आपके काम की चीजें लेकर के उपलब्ध होता रहूंगा। समय है यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने परिवार जनों का ख्याल रखिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग इज विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज वी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।